कार्यक्रम में भागने के लिए धन्यवाद। श्री एम एस बिट्टा चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट वेलकम सर। एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। वेलकम ऑल द गेस्ट। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरदार पटेल जी का सपना पूरा करूंगा, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा करूंगा, मैं उन जवानों के शहीदों के सपनों को पूरा करूंगा जिन्होंने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते करते अपने सीने पे गोलियां खाई, अपने शरीर के टुकड़े गड़ाए। मेरा सबसे पहला संकल्प होगा सीमाओं की रक्षा। आज सीमाओं की रक्षा की, आज हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है, आज हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, आज हमारे बहनों के सुहाग सुरक्षित हैं, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया। प्रधानमंत्री किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री वो होता है जो राजनीति ना करे वो राजनीति करे। सबसे पहला काम था सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद को समाप्त करना, वो उन्होंने कर दिया। मेरे बच्चों, मुझे बताया गया कि सुबह वो पुराने संस्कारों के मुताबिक यहां हवन भी होता है, यज्ञ होता है, वंदे मातरम बोला जाता है, प्रार्थना होती है। मुझे भी अपने बचपन के दिनों की याद आती, हमारी भी इसी प्रार्थना से ही कार्यक्रम हुआ करते थे, उसी के कारण ही हम आज उसी लाइन पे खड़े हैं, उसी के कारण ही आज हम वंदे मातरम बोलते हैं, उसी के कारण ही हम भारत माता की जय बोलते हैं। ये बहुत बड़ी संस्कार और शिक्षा अगर ऐसे एजुकेशन सेंटर में स्कूल में दी जाती है तो हमारे बच्चों का भविष्य हमेशा मजबूत रहेगा, हमारा राष्ट्र हमेशा मजबूत रहेगा। मैं आज के दिन आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको फिर मैं निवेदन करूंगा, आज से अपने मन के अंदर एक संकल्प कर लो, अपने लिए नहीं जीना, जीना है तो राष्ट्र के लिए जीना है। और आज से अपने मन में ये संकल्प कर लो कि हम कौन से दिशा में जाना है, किसी ने आर्मी में जाना है, किसी ने आईपीएस बनना है, किसी ने सीआरपी में जाना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने सांसद बनना है, पर उसके पीछे उसके साथ एक ही मकसद होना चाहिए, प्रथम राष्ट्र हमने मातृभूमि को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। कि जीवन है क्या, आज ही तो कल जाना है, कि जीवन है क्या, हमें अपने संस्कारों को, हमें अपने भगवान को हमेशा प्रार्थना ये करनी है कि हमारा देश, मानवता, पूरी दुनिया, हम सुरक्षित रहे और हमें आगे अगर कोई ऐसे आफत आती तो उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार कैसे रहना है। क्योंकि ये जो कोरोना की महामारी है ये ऐसी थी जो हमने अपनी जिंदगी में बड़बड़ों ने नहीं देखी, हमें हमेशा अलर्ट रहना है, हमें डिसिप्लिन में रहना है, यही कहना चाहूंगा। नमस्ते सर, सबसे पहले तो आपके बारे में जानकर, आपके विचार सुनकर इतना अच्छा लगा।
और मेरा नाम ओजस्विनी दुबे है, मैं कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे भारत युवाओं का देश है, तो हम युवाओं को कैसे बचा है टेररिज्म से, उसके लिए क्या मेजर्स ला सकते हैं हमारी कंट्री में, जो कि हम युवाओं को बचा सके टेररिज्म से? देखो बेटा, मैं भी बगैर वर्दी के एक फौजी हूँ, वर्दी नहीं पहनी मैंने, मेरे जवान हैं जिन्होंने वर्दी में वर्दी के बगैर, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, आपको बताया, एक संकल्प था राष्ट्र का, उन शहीदों की किताबें पढ़ता था और ये सोचा कि आजादी मिली कैसी। पहली बात तो आजकल हम वो किताबें नहीं पढ़ते, हम शायद कभी प्रदीप जी के गाने नहीं सुनते, हम लाए हैं तूफान से ये किस्ती निकाल के, किस देश को रखना बच्चों संभाल के, ऐसे गाने हम पुराने अभी नहीं सुनते जिन गानों का वो मतलब होता था। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब राष्ट्र के अंदर, आज सोशल मीडिया का युग है, फोन आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है, बहुत बड़ी ताकत है, जो अच्छा कर्म करता है, जो अच्छा काम करता है, उसके लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, पर मैं मोदी जी को इसलिए अच्छा मानता हूं, वो आपके फ्यूचर के लिए सोचते, वो टेररिज्म के ऊपर सोचते, इसको समाप्त कैसे करना है उन्होंने किया, पर उसके साथ हमारी आवाज उनके लिए एक बुलंद रहेगी। हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, इसने सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत किया है, वो जवान शहीद नहीं होगा, हमारा राष्ट्र तिरंगा झंडा हमेशा सलामत रहता है, सलामत रहे, पर जब उसका कोई विरोध करता है अच्छे काम, जब 40 जवान पुलवामा में शहीद हो जाते हैं, हमारे जवान 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी 500-300 आतंकवादियों को मार करके जिंदा शहीद की तरह वापस आते, तो कई पॉलिटिकल पार्टियां सवाल पूछती हैं वो क्यों गए थे। अगर नुकसान हो जाता हमारे आर्मी के एयरफोर्स के जवानों का, तो ये सवाल पूछे जाते किसको पूछ के भेजा था, जिंदा वापस आए तो क्यों गए। जब ऐसे सवाल उठते हैं तो हमें अपनी आवाज को सोशल मीडिया के द्वारा, बच्चों की आवाज एक भगवान की होती है, उस शक्ति ताकत का इस्तेमाल करना है ताकि हमारे देश का नुकसान न कर पाए। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि आप ही की वजह से हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। शुरुआत के दौर में आपको बहुत सारे चैलेंजेस का फैसला शुरुआत में फैलानी पड़ी, तो कि क्या एक्सपीरियंसेस रहे बस जानना चाहूंगी। बेटा ये जो भी आतंक, बैठो बेटा, ये जो टेररिज्म है, बाहर के दुश्मन से हम लड़ सकते हैं पर अंदर के दुश्मन से हम लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो कभी प्रदीप जी ने कहा था ना, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, वो सच नहीं। अभी आपकी बात से पहले मैंने जवाब दिया कि 370 द्वारा हटाई जाती है 70 साल की कैंसर की बीमारी को खाड़ करके नरेंद्र मोदी जी फेंक देते, जवानों की शहादतें बंद हो जाती है, तिरंगे झंडे का अपमान बंद हो जाता है, जवानों पे पत्थर फेंकने बंद हो जाते हैं और पूरा भारत आतंकवाद से मुक्त हो जाता है। शपथ लेते हैं भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे। वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत।
मैं भी कहूंगा आपको।